ये साथ कहाँ रह गया है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, इतनी देर तक तो कभी नहीं सोया वो। कोई बात नहीं ना, कभी कभी इंसान का दिल रूटीन से हट कर चाहता है। आज उसका दिल रूटीन से हट कर रेस्ट करने को चाह रहा, तो इसमें हर्जी क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। आज तुम्हारी मामा तुम्हें नाश्ते पे बहुत मिस कर रही है। तो सुनाएं भाई, आपकी दोस्त की शादी के सारे इवेंट कंप्लीट हो गए या अभी भी कुछ बाकी है? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि जिस तरह से आप इस शादी में इन्वॉल्व हो रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि कोई इवेंट आपके बगैर नहीं हो सकता। जाहिर है, वो तो चाहते ही हैं कि ये बेवकूफों की तरह ना उनके हर फंक्शन को अटेंड करे, क्योंकि जब ये जाएगा वहां पर तो उनके फंक्शन की तो हाइप क्रिएट हो जाएगी। बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। अब इस घर में ना ये शादीनामा बंद हो जाना चाहिए। और साथ प्लीज तुम जरा अपने बिजनेस पे तवज्जो दो। वो जो हमारा हेड ऑफिस है ना, उसे जाके देखो तुम। हाँ, अभी मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं समझ रहा ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। आई नीड सम टाइम। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? बहुत हो गया। तुम जानते हो ना, ये जो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, मेरे बाप ने बड़ी मेहनत से एस्टेब्लिश किया था, इसे तुम्ही को आगे लेके जाना है। हाथ बटाओ अपने बाप का। हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस को आपके बाबा ने स्टार्ट किया, लेकिन इसको एस्टेब्लिश किया है मेरे बाबा ने। उनकी एफर्ट्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इनकी एफर्ट को मैं इग्नोर नहीं कर रही हूं, लेकिन तुम कब स्टैब्लिश हो गए? अपनी जिम्मेदारियां कब संभालोगे? जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते ना, तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें अच्छा लगेगा कि शादी के बाद तुम पॉकेट मनी मांगते रहो? बहुत हो गया। ठीक है रिया, आई एग्री, मैं बहुत जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। अब मैं नाश्ता करता हूँ।